तो धीमी हुई कोरोना की रफ्तार। मौतों के आंकड़ों में नहीं हो रही गिरावट। देश में कोरोना के 62,224 नए केस दर्ज। बीते 24 घंटे में 2,542 लोगों की गई जान। वहीं 1,07,628 मरीज हुए डिस्चार्ज। तो लगातार कोरोना की रफ्तार तो धीमी पड़ रही है, लेकिन इसी के साथ ही मौतों का आंकड़ा की जो रेट है वो रिकवरी डेथ रेट में गिरावट नहीं दर्ज की जा रही है। तो लगातार रिकवरी रेट बढ़ रही है, लेकिन डेथ रेट भी उसी तरह से सामान्य चल रही है। बीते 24 घंटे में 2,542 लोगों की जान कोरोना के चलते चली गई है। वहीं विदेश आने वालों के लिए राहत भरी खबर। यात्री लगवा सकेंगे वैक्सीन की दूसरी डोज। कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज निर्देश जारी। दुकानदारों और खिलाड़ियों के लिए होगी अलग व्यवस्था। 28 दिन होने पर लगवा सकेंगे दूसरी डोज। तो बता दें कि अब विदेशी या बाहरी यात्रा करने वालों के लिए 28 दिन का समय रखा गया है दूसरी डोज लेने का। अगर 28 दिन हो जाते हैं पहली डोज लेने के बाद, तो दूसरी डोज आप लगवा सकते हैं। खिलाड़ियों और दुकानदारों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। वहीं हरदा से इस वक्त की बड़ी खबर। प्रेम प्रसंग के चलते युवती को लगी गोली। घायल युवती को भेजा गया जेल। पुलिस को मिली घटना की जानकारी। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। तो ग्राम कड़ौला उबारी के पास की घटना हम आपको बता रहे हैं। प्रेम प्रसंग के चलते युवती को गोली लगी है, बड़ी खबर। घायल युवती को अस्पताल भेजा गया है। रायबरेली से बड़ी खबर। लोगों में खत्म हुआ असलहों के साथ दिखी महिलाओं की फोटो हुई वायरल। थाना नसीराबाद क्षेत्र के भवनपुर गांव की घटना। पुलिस का कानून का खौफ खत्म हो गया है लोगों के अंदर। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस कदर हाथ में बंदूक लहराती महिला की यह तस्वीर सामने आई है। हालांकि तस्वीर है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। रायबरेली से ये हम आपको खबर दिखा रहे हैं। तो खबरों पर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत में कोरोना के 62,000 से अधिक नए केस। पिछले 24 घंटे में 2,542 लोगों की मौत। गुजरात के आणंद में भीषण हादसा। ट्रक और ईको कार की हुई टक्कर। हादसे में 10 लोगों की हुई मौत। मुंबई में तेज बारिश का अलर्ट। शाम 4 बजे आ सकता है हाई टाइड। विदेश जाने वालों के लिए राहत भरी खबर। यात्री लगवा सकेंगे वैक्सीन की दूसरी डोज। 28 दिनों पर होने लगवा सकेंगे दूसरी डोज। आज पेट्रोल 29 पैसे और डीजल 17 पैसे हुआ महंगा। 9 राज्यों में पेट्रोल की कीमतों ने मारा शतक। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खास खबरों पर नजर डालते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग ने ताजमहल और लाल किला सहित देश के केंद्र संरक्षित स्मारकों और म्यूजियम को खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं, जो आज से लागू हो गया है। कोरोना महामारी के चलते देश के स्मारक 2 महीने के लिए बंद थे। बुधवार यानी आज से पर्यटक इन स्मारकों में आ जा सकेंगे, लेकिन पुरातत्व विभाग ने आगंतुकों की संख्या पर अंकुश लगाते हुए इनकी संख्या को कम कर दिया है। यानी एक दिन में केवल सीमित संख्या में ही पर्यटक स्मारक में प्रवेश कर सके। पुरातत्व विभाग के इस आदेश के बाद देश के 3,693 म्यूजियम और 50 स्मारक पर्यटकों के लिए खुल जाएंगे और विजिटर्स अपने पसंदीदा स्मारकों का आनंद ले सकेंगे। इसके लिए नियम भी बनाए गए हैं, जिसमें पर्यटकों की संख्या भी शामिल है।
जैसे आगरा के ताजमहल में भी अभी सिर्फ 650 लोगों के ही प्रवेश को अनुमति मिलेगी। वहीं टिकट के लिए भी नियम बनाए गए हैं। आदेश के मुताबिक सभी टिकट ऑनलाइन बुक होंगे और ऑफलाइन किसी को भी टिकट नहीं दिया जाएगा। ऑनलाइन टिकट के लिए वेबसाइट शुरू कर दी गई है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी पर्यटकों को निर्देश दिया गया है कि स्मारक के अंदर किसी भी चीज के को हाथ न लगाएं। पुरातत्व विभाग के साफ किया है कि स्मारक और म्यूजियम खोले जाने को लेकर केंद्रीय विभाग सहित राज्य सरकारों के स्तर पर उठाए गए उपायों का पालन सुनिश्चित किया जाए। सभी स्मारकों पर पर्यटकों को उनकी ही संख्या में उतनी ही संख्या में प्रवेश दिया जाना चाहिए जितनी अनुमति दी गई है। सैनिटाइजेशन के साथ ही साथ सभी आगंतुक कोरोना गाइडलाइंस फॉलो करें, ये भी सुनिश्चित किया जाए। वहीं आगरा से इस वक्त ममता हमारे साथ जुड़ गई है। ममता, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो स्मारकों को खोलने के निर्देश दिए हुए, इसमें क्या कुछ गाइडलाइंस रखी गई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ 2 महीने के लंबे समय के बाद इस ताजमहल को खोला गया है, जिसका पर्यटकों को काफी समय से इंतजार था, बहुत ही उत्सुक थे। आज जब ताजमहल खोल दिया गया है तो उसको देखा जा रहा है कि पर्यटक काफी थोड़ा कम मात्रा में है, लेकिन काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं यहाँ सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई है, उसमें पर्यटकों को किसी भी चीज से हाथ ना लगाने के आदेश दिए गए हैं। वहीं मास्क और सैनिटाइजर के साथ में ही पर्यटकों को वहाँ ताजमहल के अंदर एंट्री दिया जा रहा है, जिससे कि और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह उनको आदेश का पूरा पालन करना है, जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की दूरी बनाए रखना है और किसी भी चीज को हाथ ना लगाए रखने के आदेश दिए गए। जी, वही जो व्यापारी हैं और जो पर्यटक इस वक्त ताजमहल घूमने आए हैं, ममता, उनके अंदर किस तरह की भाव है इस गाइडलाइंस के बाद से? जिस तरह से ताजमहल को खोल दिया गया, तो अब वो ताज का दीदार आसानी से कर सकेंगे? जी बिल्कुल, 2 महीने का मैंने बताया आपको, 2 महीने के लंबे समय के बाद जब ताजमहल को खोला गया है तो यहाँ पर्यटकों में भारी खुशी जाहिर कर रहे हैं पर्यटक, और भारी खुशी देखी जा रही है। और वही दुकानदारों की, व्यापारियों की अगर बात करें हम, तो उनमें भी एक बहुत खुशी है, क्योंकि उनका 2 महीने से उनका जो व्यापार था बिल्कुल ठप पड़ा हुआ था, पूरी तरीके से बंद था। जो ताजमहल से जुड़े जितने व्यापारी थे वो काफी परेशान थे। आज 2 महीने बाद जब ताजमहल खोल दिया गया, जब पर्यटकों की आने की कंडीशन बन गई, तो उसके बाद में उनके अंदर भी एक बहुत खुशी की लहर जाग गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ममता हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 650 लोगों को अनुमति दी गई है एक वक्त में ताजमहल का दीदार करने के लिए, और साथ ही साथ कोरोना गाइडलाइंस के चलते ये सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी पर्यटक जो है वो किसी भी चीज़ को छुए बगैर ही ताज का दीदार करे। साथ ही साथ जिस स्मारक स्थल है वहाँ पर जो लोग हैं उनके अंदर भी खुशी है, क्योंकि उनके रोजगार में बढ़ोतरी होगी इस फैसले के बाद से। औरैया जनपद में शादी समारोह में शामिल होने आई 4 लड़कियां यमुना नदी में नहाते समय डूब गई। जनपद के अयाना थाना क्षेत्र के ग्राम फरिया के रहने वाले सुरेश की शादी कार्यक्रम में शामिल होने आई 5 लड़कियां यमुना नदी में नहाने पहुंच गई। वहीं नहाते समय सेल्फी लेते समय अचानक एक लड़की डूबने लगी, जिसको बचाने के लिए 3 लड़कियां भी बहने लगी व डूबने लगी। वहीं पूरे मामले की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद 3 शवों को निकालने में सफलता पाई है। लेकिन जैसे ही चौथे की तलाश शुरू की, तभी मौसम में अचानक परिवर्तन हुआ, जिससे सर्च कार्य 1 घंटे तक बाधित रहा। गांव फरिया, जो कि यमुना नदी के पास में है, वहाँ से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ बच्चियाँ यमुना नदी में नहाते वक्त डूब गई हैं। पूरा प्रकरण कुछ इस प्रकार है कि ये सभी लड़कियाँ एक ही रिश्तेदारी में हैं, परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, और ये एक शादी समारोह में फरिया गांव में आई हुई थी, और दोपहर में करीब 4-4:30 बजे करीब इन सभी ने यमुना नदी में जाकर नहाने का प्लान बनाया। और वहाँ पर जो गांव के लोग हैं और जो इनके परिजनों द्वारा बताया गया है कि वहाँ पर ये जब नहाने गई हैं, तो संभवतः नहाते समय एक बच्ची का पैर फिसला है, और उसी को बचाने के प्रयास में अन्य युवती जो हैं, जो साथ में गई थी, वो भी। वहीं औरैया से जाहिद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जाहिद, मैं आपसे आना चाहूंगी, 3 लड़कियों की तलाश हो चुकी है, चौथी लड़की की क्या अभी तलाश जारी है?
जी मैम, आपको बताना चाहूंगा ये पूरी घटना औरिया जनपद के अयाना क्षेत्र की है। ये तीनों लड़कियां एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आई थी फरिया में। उसी दौरान ये यमुना नदी नहाने के लिए जाती है, एक लड़की का पैर फिसल जाता है, तीन लड़कियां बचाने का प्रयास करती, उन्हीं कारणों से ये तीन लड़कियां भी उस पानी की नदी में डूब जाती है, जिसमें गोताखोरों की मदद से देर शाम तीन लड़कियों को निकाला जा चुका है। एक लड़की की तलाश अभी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार ऐसे हादसे हो जाते हैं, सेल्फी लेने की वजह से एक और बड़ा हादसा औरैया में हुआ। आप भी देख सकते हैं कि किस तरह से लड़कियां यमुना में नहाने पहुंची थी, हालांकि सेल्फी लेते वक्त जब पैर फिसला तो एक लड़की डूबने लगी, जिसको बचाने के लिए जब बाकी तीन लड़कियों ने छलांग लगाई तो वो भी डूब गई, और जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि तीन को निकाल लिया गया उनके शवों को, लेकिन एक अभी भी लापता है। रामपुर की शाहबाद तहसील के बेरुआ गांव में बीते 13 जून को पुलिस को महिला का धर्म परिवर्तन कर निकाह करने और उसके दो बच्चों का खतना कराने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संबंधित पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं इस मामले में दिल्ली बार अधिकारी संरक्षण आयोग ने संज्ञान लेते हुए मामले में जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। रामपुर पहुंचे डॉक्टर विशेष गुप्ता अध्यक्ष बाल अधिकारी संरक्षण आयोग ने कहा, धर्म परिवर्तन के मामले में पुलिस ने FIR कर कार्रवाई कर दी है, इसमें किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 75 के तहत कार्रवाई होगी। फिलहाल बच्चों की और महिला की हमारी टीम काउंसलिंग कर रही है, जिसके बाद में इनके पुनर्वासन को लेकर निर्णय लिया जाएगा। बुलंदशहर के थाना शिकारपुर के झूठी सूचना देकर रुपए हड़पने वाले शातिरों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया है। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने तीन ठगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से हड़पी गई 1,44,000 रुपए और 2 तमंचे सहित 4 जिंदा कारतूस को भी बरामद किया गया है। संभल के असमोली थाना क्षेत्र में बीते दिनों अवैध संबंधों के चलते एक दलित महिला की हत्या कर दी गई थी। अब इस हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने मृतका के पति को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक महिला की हत्या उसके पति ने अवैध संबंधों के चलते की थी और हिरासत में पुलिस ने अपने जुर्म को कबूल लिया है। हत्यारोपित पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत के समक्ष पेश किया, जहां से उसे पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। थाना असमौली के अंतर्गत ग्राम फतेहपुर मदाला में 3 दिन पूर्व एक महिला की शव बरामद हुआ था, जो मक्के के खेत में पड़ा हुआ था और उसकी धारदार हथियार से गला काटकर हत्या की गई थी। इस मामले में आज जो इस मामले का वादी था अतर सिंह, जो महिला का पति है, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके द्वारा जुर्म को करना कबूल किया गया है। उसके जो कपड़े हैं उनको FSL जाँच के लिए भेजा गया है, उसमें भी खून के लक्षण पाए गए हैं। इसमें पूरी घटनाक्रम इस प्रकार का था कि इस व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि उसका अपनी साली के साथ अवैध संबंध था, जिसको लेकर उसकी पत्नी बीच में रोक टोक करती रहती थी, अतः उसने उसको रास्ते से हटाने के लिए मक्के के खेत में जब अकेला पाया तो उस समय उसने पहले गला घोंटकर उसकी हत्या की, उसके बाद में खुरपी से उसके गले पर प्रहार करके और गला भी रेत दिया। संभल के चंदौसी में लूट की वारदात सामने आई है, जहां राजा रामचंद्र ज्वेलर्स के शोरूम में ज्वेलरी लेकर निकली महिला से बुरखा पहने महिलाओं ने भीड़ भरे बाजार से 2.5 लाख की ज्वेलरी लूट ली। वहीं महिलाएं मौके से फरार हो गई। दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंच के मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं बाजार में लगे CCTV कैमरे खंगाल कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम TV।